वेलकम टू ऑल मोहिब ऑफिशियल व्यूअर्स। आज हम मंटोगा की तरफ जा रहे हैं। आज का सफ़र हमारा मंटोगा की तरफ है स्कर्दू से, जो कि तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का सफ़र है। रोड बिल्कुल क्लियर है और आज का मौसम बहुत ज़बरदस्त है, प्लेजेंट है, सनी डे है। और ये लेफ्ट साइड पे, जैसे कि पहले इस एपिसोड 2 में सिर्फा डेजर्ट आपको दिखाया गया था। तो आए चलते हैं, आज का एक्सपीरियंस उम्मीद है कि अच्छा रहेगा, हम भी इंजॉय करेंगे और आप लोग भी इंजॉय करें। स्टे ट्यून जी। खादिम साहब कुछ आप बता रहे हैं जी। ये है जी थोरगू पड़ी, ठीक है। 1947 को जब पाकिस्तान बना, उसके 3 महीने बाद जो है ना गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद हुआ है। तो उस दौरान जो है ना यहाँ के लोकल जो है गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने डोगरा राज के ख़िलाफ़ जो है ना उठ खड़े हुए और जंग का आगाज़ हुआ, जिसके नतीजे में यहाँ पे जो हिंदू वगैरह थे वो यहाँ से वापस इंडिया जा रहे थे। और डोगरा राज के जो फौज थे उन्होंने यहाँ पे मुजाहमत की, तो उन्हों वो यहाँ पे इस जगह पे जो है ना एक यादगार है। यहाँ पे लोग ऊपर पहाड़ों की तरफ इधर छुप के, वहाँ पर उस वक्त असलाह नहीं होता था, पत्थरों के वार से इनको यहाँ पे शिकस्त दी और यहाँ से जो है ना फिर वापस इंडिया चले गए। तो ये यहाँ पे एक यादगार भी बनाया हुआ है, जो उस वक्त के जो लोग यहाँ पे जिन्होंने आज़ादी के लिए जंग लड़ी है, तो उनके इस यहाँ पे एक यादगार है। तो वो यहाँ पे यादगार बनाया हुआ है थोरगू पड़ी के मुकाम पे। तो ये 3 जगहों पे इनको शिकस्त से लाचार हुआ वापस चल गए। एक है रोंदू में, दूसरा यहाँ पे थोरगू पड़ी है, तीसरा खरमंग में जहाँ पे दरिया सिंध संगम है, वहाँ पे थमोखन के नाम से। वो थमोखन का मतलब ये है कि जी वो उर्दू में जो है ना उसको कहते हैं लड़ाई की जगह। तो वहाँ पे भी लड़ाई हुई और वहाँ से पसपा होके फिर उनकी डोगरा राज की जो आर्मी थी वो वापस इंडिया चले गए। और इस तरह 3 महीने बाद यकुम अक्टूबर या यकुम नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान आ गया। और ये यादगार जो है ये आपको सामने नज़र आ रही, ये उस वक्त के जो यहाँ के मुकामी लोगों ने पता कि उनके यहाँ नाम आवेजा है, ये है जी थोरगू पड़ी में यादगार। व्यूअर्स, जैसा कि खादिम साहब ने बताया कि ये एक यादगार थी स्कर्दू से मंटोगा के दरमियान, रास्ते में ये रोड खपलू की तरफ भी जाता है। तो जैसा कि 1947 14 अगस्त को 3 महीने बाद गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद हुआ और डोगरा राज से आज़ादी के लोकल्स ने जो है वो नवंबर के महीने में यहाँ एक छोटी जंग लड़ी गई और डोगरा राज के जो सिपाही थे हिंदू या गैर मुस्लिम उनको यहाँ से पत्थर मार के यहाँ से भगाया गया। इन पहाड़ों पे उन्होंने चढ़ के यहाँ से उन पर हमला किया। असले की कमी थी वहाँ या नहीं होता नापैद थे, तो ख़ुद यहाँ के लोकल्स ने आज़ादी हासिल की डोगरा राज से। ये इन पहाड़ों की हिस्ट्री है गिलगित बल्तिस्तान की। मैदान
लगाया हुआ है जबकि मेड इन पाकिस्तान है। पाकिस्तान में कहाँ से एनसीबी चोरी की होगी। जैसा कि हम मंटोका वाटरफॉल पे हैं, ये यहाँ फिशी वालों ने ट्राउट का फॉर्म बनाया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत प्यारा व्यू है ये मंटोका फॉल का और साथ ही फिशी वालों का ये फॉर्म है। ट्राउट की ये एक चीज़ है कि ट्राउट जो है वो हमेशा फ्रेश वाटर में ही सर्वाइव करती है। तो ये एक स्ट्रीम का पानी है, बेसिकली ये पहाड़ों में से ये ऊपर जो है वो एक आ रहा है, स्ट्रीम आ रही है, उसको ये चैनल बना कर इसको ये पावर हाउस है जो कि तकरीबन 2-3 किलोवाट का ये पावर हाउस है। और इसके साथ जो है वो जो इन्होंने फिशी बनाई हुई है और वही चैनल जो है ये मंटोका का जो वाटरफॉल है वो नेचुरल फॉल नहीं है। ये पहाड़ों में से पानी आके इनको चैनलाइज करके इस पहाड़ के ऊपर ले कर यहाँ से फॉल कराया गया है जो कि सयाहों को जो है ना अट्रैक्ट करती है। और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मंज़र है इधर।
डब्बा 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 झूला देना।